अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आए तो प्लीज़ मत उठाना, और अगर उठा भी लिया तो अपना चेहरा उसमें मत दिखाना, क्योंकि जैसा कि अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जैसा वीडियो कॉल में होता है कि साइड में एक स्क्रीन आती है जिसमें सामने वाले की फ़ोटो आती है, तो कुछ लोगों ने फ्रॉड करने का एक तरीका निकाला है जिसमें वो लोग सामने उस स्क्रीन पर किसी नंगी औरत की, या अगर कोई औरत वीडियो कॉल उठा रही है तो किसी नंगे आदमी की फ़ोटो लगा देते हैं और कहते हैं कि तुमने इनके साथ में वीडियो कॉल पर गंदी बातें की है, गंदे काम किए हैं, और तुमको अगर ये अपनी इज्जत बचानी है तो 2,000-3,000 आदमी की जो फेसबुक में जो भी उसकी स्टेटस होगी उसके हिसाब से उससे पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की वीडियो कॉल अगर आए आपको तो दोबारा कभी मत उठाना। पहली बात तो वीडियो कॉल अननोन नंबर से आए तो उठाना ही नहीं, और दूसरी बात अगर आप ये सोचते होंगे कि ये कोई साइबर क्राइम है, इसके हम लोग कंप्लेंट करेंगे और जो है पुलिस हमारी मदद करेगी, तो ये इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ और मुझे भी ऐसे बहुत सारे साइबर फ्रॉड कॉल्स आते रहते हैं। मैंने भी बहुत बार पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया है, मैसेज किया है, बट उनका कहना है कि ये कोई अदर स्टेट से आते हैं, ये कोई बंगला के कोलकाता के स्टेट से आते हैं, तो वहाँ पे जाना पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हमारे लिए मुश्किल होता है, हम आम आदमी हैं, हमारी रिक्वेस्ट पे कोई भी वहाँ तक जाके पकड़ेगा नहीं। अगर वही MP MLA के बेटों के साथ में होता तो जाहिर सी बात है पुलिस की पूरी स्क्वाड चली जाती। तो आम आदमी अगर है आप लोग तो फिर इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि पुलिस वाले आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जब मेरे साथ ये पहली बार वाकया हुआ था किसी बैंक का मुझे फ्रॉड कॉल आया था, तब मैंने कड़पा के SP को, जो KNN अनुप राजन जो अभी SP है, मैंने उनको कॉल किया था। कॉल करने बाद में उन्होंने एक दो कॉन्स्टेबलों के थ्रू मुझे फ़ोन भी करवाए थे, बट लोगों ने बोला कि सर ये बाहर स्टेट से आते हैं, अब उनको पकड़ना उनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा ये होगा, आप जो है वो हमको नसीहत दे रहे हैं कि आप जो है सतर्क रहिए, आप जो है अपने OTP मत शेयर करें। अरे हमको मालूम है यार, हमको मालूम है कि हम OTP नहीं शेयर करेंगे, बट ये जो लोग अलग अलग तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, आप उनका नेटवर्क ट्रैकिंग नहीं कर रहे, आप उनको पकड़ रहे नहीं, तो उनको भी वो हो गया कि बोले चलो अदर स्टेट में हम लोग फ्रॉड करेंगे, वहाँ की पुलिस वाले तो आएंगे नहीं पकड़ने के लिए, तो आप लोग अपने अपने स्टेट में अपनी पुलिस वाली बैठी हुई है सुकून से और वो फ्रॉड करके पैसे कमा रहे। तो जब तक ये पुलिस वालों का नेटवर्क बिल्डअप नहीं होता, ये एक दूसरे के स्टेट में घुसकर क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ते, तब तक हम लोग बलि के बकरे बनते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है एहतियात करिए कि वीडियो कॉल्स पे फोटो मतलब अपने वीडियो कॉल्स मत उठाएं, वरना आपके भी फोटो एडिट करके फेसबुक में आपके रिपोर्टेड फ्रेंड्स को भेजकर आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मैं अभी उनके कुछ फोटोज़ और कुछ नंबर्स भी शेयर करूंगा स्क्रीन पर, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है और ये किस नंबरों से कॉल कर रहे हैं, और इनका और कुछ लोगों ने तो यूनिफॉर्म भी आर्मी की पहनी हुई है, बट पता नहीं ये सही में आर्मी वाले हैं या यूनिफॉर्म सिला लेकर ऐसी बदनाम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को बचाए रखिए, होशियार रहिए, और पुलिस वालों से बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिए। थैंक यू। असली सोने की पहचान है नजाकत, खूबसूरत कारीगरी की मिसाल है नजाकत, खरे सोने का निशान है नजाकत, बदलते वक्त की मांग है नजाकत। नजाकत ज्वेलर्स, जहां आपकी पसंद का ख्याल रखा जाता है, रूबी, एमेराल्ड, अल्मास एंड डायमंड के दिलकश जेवरात जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाए, 100% BIS 916 हॉलमार्क ज्वेलरी, नो मेकिंग चार्जेस, दुनिया भर के 7,500 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है जो आपके दिलों को भाए। इतने खूबसूरत डिजाइन के जेवरात कहीं और न मिले। कारीगरी के असल मायने आपको नजाकत ज्वेलर्स पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेगा। नजाकत ज्वेलर्स, अपोजिट एप्पल हॉस्पिटल, 7 टॉम रोड, टूनी चौकी, हैदराबाद।